हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अधीर सिंह आपको अधीर सिंह एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रहे हैं। हम अपने जब चारों तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं इस दुनिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। करप्शन है, क्राइम है, इतने सारा इनजस्टिस है, लोगों में बराबरी नहीं है, कुछ लोग ज़िंदगी के मज़े लूटते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी में हमेशा सफ़र करते रहते हैं, तकलीफ़ों से गुजरते रहते हैं, अच्छे लोगों को सजा मिलती है, बुरे लोग जो हैं वो मेवा खाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं इस दुनिया में। हमें लगता है कि ये दुनिया जो है वो रहने लायक नहीं है, ये बड़ी ख़राब दुनिया है, अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है। हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं सुधरती। ऐसा क्यों होता है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक स्वामी विवेकानंद की कहानी बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी एक कहानी सुनाइए, कर्ली टेल ऑफ डॉग, कुत्ते की टेढ़ी पूंछ। ये कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, गरीबी से बड़ा तंग था। एक बार वो अपना दुखड़ा जो है अपने पड़ोसी को बता रहा था, तो पड़ोसी ने कहा कि भाई तुम्हारे दुख का एक निदान है, बगल के गाँव में एक बाबा जी हैं जिनके पास में बड़ा पावरफुल जिन है, वो जो चाहे कर सकता है। तुम अगर बाबा को किसी तरह खुश कर दो और जिन को हासिल कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। आदमी बड़ा खुश हुआ, वो गया बाबा जी की, बड़े महीनों तक उसने सेवा की। एक दिन बाबा जी खुश हो गए और उन्होंने कहा बेटा मांगो, क्या मांगना है। आदमी तो तैयार ही बैठा था, उसने कहा साहब हमको अपना जिन दे दीजिए। बाबा ने कहा भाई जिन को मत लो, इससे ज़िंदगी में तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी, तुम्हारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। आदमी ने कहा अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना था कि जिन बड़ा पावरफुल है, वो जो चाहे कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। उसने कहा हाँ कर तो सब कुछ सकता है लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में सुख नहीं आएगा। वो आदमी पहले ही बड़ा दुखी था, उसने कहा नहीं साहब कोई बात नहीं, आप दे दीजिए हमको जिन। तो बादवा ने उनको बोतल दी और एक मंत्र दिया, बोला कि मंत्र पढ़ोगे तो इस बोतल से जिन आ जाएगा। वो आदमी घर गया, उसने बोतल रखा और उसके बाद में वो मंत्र पढ़ा, जिन पैदा हो गया। जिन जब प्रकट हुआ उसने कहा प्रकट होते ही मेरे आका क्या हुक्म है, लेकिन इसके पहले कि आप मुझे पहला हुक्म दें मैं अपने को कंडीशंस आपको बताना चाहता हूँ। मैं बड़ा रेस्टलेस टाइप का आदमी हूँ, एक जगह बैठ नहीं सकता मैं, मुझे कुछ ना कुछ काम करना होता है, आपको मुझे कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा। अगर आप काम मुझे नहीं देंगे तो मैं आपको खा जाऊँगा, अगर आपकी कंडीशन मौजूद हो तो आप अपना ऑर्डर करिए। आदमी ने सोचा इतना सारा काम करने को है, कोई ना कोई काम तो निकल ही आएगा। मैंने ठीक है, उसने तुरंत कहा मेरे लिए छोटा सा घर बनाओ। वो तड़ातड़ जिन लगा और घर बन गया। उसके बाद आदमी ने कहा मेरे लिए ये फर्नीचर लाओ, ये बर्तन लाओ, ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ, सब हाजिर। फिर उस आदमी ने कहा चलो ऐसा करो एक शहर बना दो मेरे लिए। जिन ने कहा जो हुक्म मेरे आका। उसने साहब शहर बनाना शुरू किया, घर बनने लगे, सड़कें बनने लगी, सब चीज़ें बनने लगी। इतनी तेज़ी से बनने लगी कि आदमी तो बड़ा घबरा गया, उसको लगा कि अब क्या ऑर्डर देंगे। भागा, भाग करके बाबा जी के पास पहुँचा। उसने कहा साहब बाबा जी बचाइए, ये तो बड़ा तेज़ काम करता है, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसको हम काम क्या दें। तो बाबा जी ने कहा बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये जिन मत ले जाओ, इससे तुम्हारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी, खुशी नहीं आएगी। उसने कहा साहब तो गलती हो गई, अब बचाइए। उतनी देर में जिन वो जो है वहाँ पर आया। उसने कहा साहब शहर रेडी है, अब अगला क्या हुक्म है। अब ये आदमी के तो पसीने छूट गए क्योंकि इसको कुछ आइडिया समझ में नहीं आ रहा था। उतने देर में बाबा जी ने देखा कि एक कुत्ता वहाँ से जा रहा है। वो गए और कुत्ते की पूंछ उन्होंने काट दी। कुत्ते की पूंछ जैसा कि आप जानते हैं टेढ़ी पूंछ होती है, और वो उसने जिन को दे दी। उसने कहा भाई इसको सीधा करके ले आओ। अब वो जिन सीधा किया, जैसे ही छोड़े फिर टेढ़ी हो जाए। दिन भर करता रहा, महीना गुजर गया, साल गुजर गया, और कुत्ते की पूंछ जो है वो सीधी ही ना। आखिरकार वो थक हार करके आया और उसने साहब हाथ जोड़े और कहा कि साहब मुझे माफ़ कर दे, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो उस आदमी ने कहा भाई तुमने तो सब कुछ प्रॉमिस किया था, सब कुछ कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। उसने कहा साहब ये काम मैं नहीं कर सकता, मैंने जो भी आपके लिए कर दिया आप उसको रखें अपने पास में, मुझे मुक्त कर दें। तो आदमी ने कहा चलो ठीक है, मुक्त कर दिया गया उसको। इस कहानी को सुनाने के बाद में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये इस कुत्ते की पूंछ की तरह है, टेढ़ी है। इसको बहुत लोग आए सीधा करने की कोशिश की लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। बड़े प्रॉफिट्स आए, मसीहा आए, भगवान ने भी अवतार लिया, राम कृष्ण, दुनिया भर के इतने सारे अवतार हुए, सब ने इस दुनिया को सीधा करने की कोशिश की लेकिन कोई सीधा नहीं कर पाया क्योंकि इसकी डिज़ाइन ही ऐसी है। उन्होंने कहा ये जो कमी है हमारे अंदर है, हम सोचते हैं कि पूंछ सीधी होनी चाहिए, ये जब पूंछ टेढ़ी डिज़ाइन की गई है तो ये टेढ़ी ही रहेगी। ये हजार साल पहले, 10,000 साल पहले भी ऐसी थी, 10,000 साल बाद भी ऐसी ही रहेगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया में हमें कोई कमी दिखती है तो क्या हम चुप बैठे रहें,
कि हम कुछ ना करें। उन्होंने कहा नहीं, आपको ये देखना है कि आप जो भी अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम आप इसलिए नहीं करते हैं कि दुनिया को आप सुधार रहे हैं, अच्छा काम इसलिए करें क्योंकि अच्छा काम जो करता है वही आदमी अच्छा बनता है। जब आप बुरा काम करते हैं तो आप बुरे बन जाते हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, और इस वजह से आपको अच्छा काम करना चाहिए। इसलिए नहीं अच्छा काम करना चाहिए कि मैं अच्छा काम करूंगा ताकि दुनिया बेहतर हो जाए। अरे दुनिया तो जैसी है वैसी रहेगी, कुछ लोगों का भला होगा कुछ लोगों का नुकसान होगा, उसके लिए आप व्यर्थ ना करें अपना समय, बल्कि आप अच्छा काम इसलिए करें क्योंकि आप उससे अच्छे बनेंगे, और जब आप अच्छा काम करेंगे तो नेचुरली दूसरे लोगों का भी फायदा होगा, लेकिन प्राइमरी फोकस स्वयं है आप। तो ये जो इनइक्वलिटी है, इनजस्टिस है, ये दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि हम में से हर आदमी दूसरे से बेहतर होना चाहता है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर आदमी दूसरे से बेहतर हो, इम्पॉसिबल। कोई ना कोई तो ऊपर रहेगा, कोई ना कोई नीचे रहेगा, जो नीचे रहेगा वो कहेगा साहब हमें जो है बराबरी का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो आपने सुना होगा कि हर एक समस्या का एक समाधान होता है, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, और प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे कि बीमारी है तो एक प्रॉब्लम है क्योंकि उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, दवा खाइए सॉल्व हो गई, दी प्रॉब्लम है। लेकिन मृत्यु एक प्रॉब्लम नहीं मानी जाती है क्योंकि मृत्यु का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए कोई भी साइंटिस्ट जो है वो इस बात पे डिस्कवर समय वेस्ट नहीं करता है कि मरे आदमी कैसे जिंदा कर दें, या कोई आदमी मरे ही ना, क्योंकि उसको मालूम है मृत्यु तो आनी आनी है। लाइफ स्पैन को आप बढ़ा सकते हैं लेकिन मृत्यु को आप टाल नहीं सकते। तो इसलिए मृत्यु एक प्रॉब्लम नहीं है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, आपके लिए, क्योंकि हम मान के चलते हैं मृत्यु तो होनी ही होनी है। उसी तरीके से ये जो इनइक्वलिटी है, इनजस्टिस है, ये तो इस सोसाइटी में रहनी ही रहनी है, सिविलाइज सोसाइटी में प्रॉब्लम रहनी रहनी है। तो इसको प्रॉब्लम मानना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कैसे हर आदमी से बेटर हो सकता है, इम्पॉसिबल। इसलिए इन सब चीज़ों पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें दुनिया जैसी मिली है वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और इस दुनिया में जो हमारी एक छोटी सी जिंदगी है उसको हम कैसे अच्छे तरीके से जिए, कैसे इस दुनिया को बेहतर बनाएं अच्छे कर्म करके, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि हमें बहुत जो प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं, हमें अपने को बेहतर बनाना है, और जब आप स्वयं बेहतर होंगे तो आप दुनिया को उस हद तक बेहतर बना सकते हैं, और यही हमारा ज़िंदगी का ध्येय होना चाहिए, और इससे आप अपनी ज़िंदगी में खुशी कामयाबी हर चीज़ पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अपने विचार शेयर करें, अपने थॉट्स को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।